वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब के अपडेट्स लेकर आता हूं, आपकी ही रिक्वेस्ट पर लाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज मैं थैंक यू कहना चाहूंगा वंदना जी को, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की पोस्ट निकली हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सो थैंक यू वंदना जी, आपने मेरी तो मदद की ही, साथ में आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स की भी मदद की। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9650469252 पर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे लिंक सेंड कीजिए, मैं उस जॉब को वेरीफाई करूंगा। अगर वो अवेलेबल होगी उस कंपनी में या फिर उस डिपार्टमेंट में, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपका नाम भी इस वीडियो में दूंगा। पोस्ट नेम की बात करते हैं तो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की ये पोस्ट है। तो दोस्तों, ये थोड़ी बड़े लेवल की जॉब है, जिन्होंने सीए काइंड ऑफ कोर्सेस किए हों, छोटे लेवल की जॉब नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो जॉब है, ये ऑल इंडिया लेवल की है। भारत में आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, कोई सा भी स्टेट हो, और मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूंगा हमेशा की तरह, तो 5/1/2018 से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट हो रहा है यानी। तो मैं उसको जो है आपको बता दूंगा कि इसका कौन सा लिंक है, कहां से आपको अप्लाई करना है, तो वेट कीजिए, मैं नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। लास्ट डेट की बात करें तो 28/1/2018 तक इसका फॉर्म आप भर सकेंगे ऑनलाइन। लोकेशन आप कहीं से भी अप्लाई करें, आपकी लोकेशन भी कहीं भी हो सकती है ऑल इंडिया में। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पर रखी है 600 रुपये, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए रखी है यहाँ पर 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी 12 फरवरी है यानी 2018 में, और 25 फरवरी तक इसका एग्जाम होने की संभावना है, ये इसकी टेंटेटिव डेट है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 साल आपकी एज होने चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, वही क्राइटेरिया जो होता है। तो सबके पास अगर सर्टिफिकेट होगा एससी एसटी ओबीसी का तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सो ये जो है इसमें मिलेगा आपको एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल्स की। तो पोस्ट नेम स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स मैंने आपको बताई दिया, नंबर ऑफ पोस्ट 50 पोस्ट है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी हाईली क्वालिफाइड जॉब है। इस क्राइटेरिया को लेकर अगर देखें तो इतनी वैकेंसीज बहुत है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन में। सैलरी 31,705 रुपये से 45,950 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। ये वैरी करेगी, इसके बीच में इतनी भी हो सकती है या फिर इतनी भी हो सकती है या फिर इसके बीच में हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, एंड इंटरव्यू एंड जीडी दोनों भी हो सकते हैं या फिर इन दोनों में से एक भी हो सकता है। अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के अलग मार्क्स मिलेंगे, अगर जीडी होगा तो जीडी के अलग मिलेंगे, या दोनों में से कोई एक होगा तो सारे मार्क्स उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। हम नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, तो ये इसका नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आज ही आया दोस्तों। आपको किसी चैनल पे इस वीडियो की वीडियो नहीं मिलेगी इस तरीके की, बस मेरे बाद ही ये वीडियो बनाई जाएगी, आप देख लेना। आई थिंक कॉपी करेंगे लोग मेरी, बोलना नहीं चाहिए वैसे ऐसे। मैं आपको बता दूं ये जो लिंक है इसका, ये लिंक है https://, और यानी आपका स्लैश के साइन दो, और www.sbi.co.in यानी .co.in और स्लैश में कैरियर्स, तो आप ये देख सकते हैं इस लिंक पे जाके। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कल इसका फॉर्म भर लेना अगर आपको भरना होगा। हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो डिप्टी मैनेजर इंटरनल ऑडिट यानी वही जो पोस्ट जिसका मैंने आपके सामने नाम लिया था, तो आप कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, जिन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए का कोर्स किया हो फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI, और प्रिफ्रेंस ज़्यादा किसको दी जाएगी, जिन्होंने CISA भी किया हुआ है यानी जिन्होंने CISA किया हुआ है तो उनको ज़्यादा प्रिफ्रेंस दी जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो ये आपका CA करने के बाद इन्होंने बोला हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी CA करने के बाद अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन स्टैचुअरी या फिर इंटरनल या फिर कंकरेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स, या किसी आपने सीए फॉर्म में किया हो तो वो भी चलेगा। 2 साल का यहाँ पर मिनिमम मांगा हुआ है। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर जरूरी चाहिए होंगे। अगर आपने सीए का आपने सीए फॉर्म में काम किया है कुछ दिन सीए करने के बाद, तो आपके पास जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यानी एक्सपीरियंस प्रूफ होना चाहिए। साथ में आपकी एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए यानी एमएस एक्सिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, तभी आप इसका फॉर्म
फिल कर सकते हैं। वैसे आप फॉर्म फिल करना, बाद में आप नॉलेज गेन कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये जॉब प्रोफाइल देख रहे हैं आप, ये जॉब प्रोफाइल का ऑप्शन, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही आपका काम होगा, कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ब्रांचेज, यानी आपको दूसरी दूसरी कंपनीज में जाना पड़ता है या फिर दूसरे दूसरे बैंक्स में जाना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर ऑडिट करने पड़ती है, यानी ब्रांचेज ब्रांचेस का आपको जो है ऑडिट करने पड़ेगी। और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स फॉर द एक्टिविटीज ऑडिटेड कंटेनिंग द फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट, तो ये सब आप देख लेना। उसके बाद जो ये उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये अदर कंडीशंस, ये ट्रेनिंग है, फिर आपका लेटरल मूवमेंट, फिर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका प्रोबेशन पीरियड, तो ये आप देख लेना। मैं सीधा सिलेक्शन प्रोसीजर पे पहुँचता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू, फिर आपका जीडी। अब बात करते हैं, अगर आपका बाई चांस जीडी नहीं हुआ तो आपके जितने भी मार्क्स है वो इंटरव्यू में डाल दिए जाएंगे। ये आपके स्टेट्स हैं, द टेस्ट मे बी हेल्ड, ये आप सारे एरियाज देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके आपका टेस्ट हो सकता है। तो द टेस्ट मे बी हेल्ड एट अहमदाबाद, वडोदरा, बेंगलोर, भोपाल, रायपुर और भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, चेन्नई, मदुरई, आप ये सारे पढ़ लेना एक बार अच्छे से। न्यू दिल्ली भी अवेलेबल है, दिल्ली NCR। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, यानी एक एक क्वेश्चन का एक मार्क मिलेगा। टाइमिंग आपको 90 मिनट दी जाएगी। फोर्थ की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज आपकी जो है 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपकी टाइमिंग 45 मिनट होगी। और बाकी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयर ओन विल नॉट बी रिकॉन फॉर अराइविंग एट मैरिट, और बाकी आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जीडी और इंटरव्यू का क्या यहाँ पे प्रोसीजर है। अब ये सीधा सीधा इस वाले पार्ट में बोल रहे हैं, इंटरव्यू और जीडी वाले में, कि अगर आपका बाई चांस जीडी नहीं होता, इनकेस जीडी नहीं होता, तो आपके जो जीडी के 20 मार्क्स थे वो आपके इंटरव्यू में डाल दिए जाएंगे, ना इंटरव्यू आपका 50 नंबर का कर दिया जाएगा। वैसे जो है यहाँ पर इंटरव्यू 30 का होगा और जीडी 20 का होगा अगर होता है तो, और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और मैं आपको एज रिलैक्सेशन दिखा देता हूँ, ये आपका एज रिलैक्सेशन है, PWD के लिए भी आप देख लेना। सो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स की मदद हो सके। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।